मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। ईडब्ल्यूएस कोटे से नौकरी मिली थी आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर हुआ है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के बाद तमाम विवाद खड़े हो रहे थे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के छोटे भाई को सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी मिलने का यह मामला सामने आया था। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक पूरी खबर बताएं। श्वेता देखिए अब से कुछ देर पहले अरुण द्विवेदी जो कि सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री के भाई हैं उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और हमारी जानकारी के मुताबिक उप कुलपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। कुछ देर बाद वो अभी से कुछ देर बाद वो एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति भी साफ करेंगे। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो कि एक इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होता है उसके तहत इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाई थी कोरोना के इस दौर में। इसके बाद काफी ज्यादा सवाल उठे थे और लगातार इन पर सवाल उठ भी रहे थे, कई और खुलासे हो रहे थे। चौतरफा जब दबाव पड़ा है तो मंत्री के भाई ने इस्तीफा दिया है और अब से कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई रखेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुमार अभिषेक बता रहे थे मंत्री बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको हम बता दें इस खबर को आज तक ने भी दिखाया था जिसके बाद इस खबर का असर हुआ है और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें यास तूफान भारी बारिश और तेज हवाओं की रफ्तार के साथ ओडिशा के तटीय इलाकों में दस्तक दे चुका है। तूफान के असर से ओडिशा से लेकर बंगाल तक के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अधिकतम 155 किलोमीटर की रफ्तार से बालासोर को पार करते हुए उत्तर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो लगातार आपको बता दें ये चक्रवाती तूफान जो है वो बालासोर से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहा है और जहां जहां असर हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कुल मिलाकर 8 राज्यों में इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। डीजी एनडीआरएफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है। डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर को पार कर चुका है और तूफान 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर गया है तूफान। और उस बीच लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो आपको एक एक पल की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें तेज बारिश और हवाओं से कई इलाकों में देखा गया है कितना नुकसान यहां पर हुआ है। हालांकि पूरी कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की गई है क्योंकि 8 ऐसे राज्य हैं जो कि इस तूफान से प्रभावित हैं। और यहां पर देखिए किस तरह से बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान किस तरह से। और इस वक्त एसएन प्रधान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीजी एनडीआरएफ। सर सबसे पहले आपसे